हेलो सब्स, तो आज हम देखेंगे ये नेविगेशन बार कैसे बनाएंगे। आपने बहुत सारे नेविगेशन बार देखे होंगे, सिंपल सिंपल से। ये भी सिंपल ही है लेकिन थोड़ा टफ है, बहुत लोगों को दिक्कत होगी बनाने में। तो मैं आज ये लाया हूँ कैसे बनाएंगे। जब मैं इस पर होवर करूँगा तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, और जब मैं इस पर होवर करूँगा तो इसका कलर वाइट हो जाएगा, और जब मैं इस पर होवर करूँगा तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। ये सिंपल है, ये हमारा इमेजेस हैं, लोगो नाम लोगो है, और ये हमारे टेक्स्ट हैं। ये देखिए बहुत प्यारा दिख रहा है दिखने में। और मैं अगली वीडियो में इसमें थोड़ा और चेंजेस करूँगा, जबकि मैं जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ वेबसाइट के लिए, तो जो हमारा ये सब है ये सब गायब हो जाएंगे, और जो हमारा ये खाली लोगो है वो आ जाएगा, और हमारी वेबसाइट आ जाएगी थोड़ा स्टिकी नेवबार की तरह। वो थोड़ा टफ होगा और उसमें थोड़ी जावास्क्रिप्ट होगी, तो देखेंगे कैसे करेंगे। तो फिलहाल हम इसको बनाएंगे, अगले वीडियो में इसको बनाएंगे। मैं पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ ताकि हर वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, इसलिए। थैंक यू। चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो देखते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन मार्क टाइप करूँगा और एंटर करूँगा, तो जो हमारा HTML का बॉलर प्लेट है वो खुद ब खुद आ जाएगा। फिर मैं अपने CSS को लिंक कर लूँगा, .css नाम के फोल्डर में है, और BNG नाम का जो फाइल है मेरा, इस नाम से CSS सेव कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी दोनों फाइलें खाली हैं। और सेव करने के बाद मैं लूँगा पहले हेडर, हेडर के अंदर एक मेन क्लास लूँगा, मेन नाम का क्लास, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं लूँगा नैव, जो क्लास होगा मेरा नैव लेफ्ट नाम से, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। और इसके अंदर जो मेरा पहला होगा इमेज, जो कि मेरा हमारा लोगो था, स्लैश इमेज इस नाम के फोल्डर में। एक मिनट, इमेज इस नाम के फोल्डर में नहीं है। आई सी आई सी आइकन आइकन नाम के फोल्डर में है, बॉग वर्क्स SVG है ये। और मैं इसको ID भी दे देता हूँ, फर्स्ट इमेज सेव किया मैंने। अब आपको दिखाता हूँ जो हमारा ये है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरा ये वाइट कलर, ये वाइट कलर का है, और ये भी अभी होना था वाइट रिलो, वाइट कलर का है तो वो दिखेगा नहीं। तो मैं पहले ही CSS में चलते हैं। मैं अपने CSS में लिखूँगा मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर नहीं, पहले फॉन्ट फैमिली में सेट कर देता हूँ, फॉन्ट फैमिली TSERRATE मॉन्सेराट। और जो हमारा बॉडी है उसको मैं देता हूँ विड्थ 100%, और हाइट 100 VH, और BG कलर हमारा होगा ब्लैक। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा लोगो। ये देखिए लोगो आ गया, ये फ़िलहाल बड़ा है, हम इसको छोटा कर लेंगे। तो हम अपने इसमें आ गए। अब इमेज के बाद जो हमारा दूसरा होगा उसके अंदर हमारा UL होगा, UL का हम क्लास दे देते हैं फर्स्ट नाम से। इसके अंदर LI होगा, LI के अंदर एक एंकर टैग होगा, हैश कहीं नहीं जाएगा वो STRA। तो मैंने ये इससे इतना लिखने से अच्छा मैंने कॉपी कर रखा है, मैं उसी कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने पहले बना रखा था। एक कहाँ गया, ये है। तो हमारा जो UL के अंदर जो LI है मैंने सब कॉपी कर लिया, कर ला। हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे Ctrl+। जो UL ये देख लीजिए आपके, और UL के बाद जो हमारा ये फिनिश हो गया। यहाँ पे सेव करता हूँ, इसमें दिखाता हूँ, आप देखिए आ गया। हमने फॉन्ट चेंज कर रखा है इसलिए इसी से आ रहा है, ऐसी फॉन्ट से, मॉन्टसेराट फॉन्ट है। आप किसी कुछ भी फॉन्ट ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और वैसे ही अब हमारा नैप के बाद एक और डिब लेंगे हम सेंटर नाम से, जो कि हमारा एक और लोगो होगा, इमेज सोर्स
/ आइकन्स एंड नाम से, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ एंड, सेव कर लिया। और एक और मैं लूँगा नेव क्लास, नेव राइट, और इसके अंदर भी एक इमेज है / आइकन्स, और ये तीसरा वाला इमेज है, सेव कर लिया। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए एंड हमारा बहुत बड़ा आ रहा है और ये वाला इमेज भी बहुत बड़ा आ रहा है, तो हम सही कर लेंगे अभी फ़िलहाल, तो रहन दीजिए इसे। और जो हमारा इसके अंदर भी यू एल आएगा वो मैम कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, यू एल पूरा कंट्रोल सी, और इसको मैं ये कंट्रोल वी, सेव कर लिया। ये देखिए पूरा आ गया इसके नीचे भी। अब जो हमारा है ये हमारा हेडर का मेन का जो जो हमारा मेन डिप था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, और जो हम सर्च आइकन बनाएंगे अपना वो अभी यहाँ पे बनाएंगे, हेडर के अंदर ही रहेगा लेकिन मेन डिप से बाहर होगा। तो हम लिखेंगे search, सर्च नाम का क्लास बना लिया मैंने, मैं इनपुट लिखूँगा, टेक्स्ट रहेगा टाइप, प्लेस होल्डर में लिखेंगे कुछ भी लिख सकते हैं, CRCH 15 years ऑफ हेल्प, और यहाँ पे img/ आइकन्स जो हमारा सर्च आइकन है वो भी ले लेते हैं, सेव करते हैं। ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा ही आ रहा है, तो देखते हैं क्या करो क्या होगा। अब यहाँ पे काम हमारा ख़त्म हो गया HTML का, अब हम चलते हैं अपने CSS में। CSS में मैंने ये कर रखा है अपना, अब आपको दिखाता हूँ इसमें मैं चेंज क्या करूँगा। ठीक है, बॉडी हमने कर दिया, अब बॉडी को हम हटा देते हैं फिलहाल तो यहाँ से, और मैं ओवरफ्लो कर देता हूँ हिडन, मैं फिर भी कलर रख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, बीजी कलर, रेड, ठीक है, और ताकि आपको दिखता रहे। तो अब मैं लूँगा अपना हेडर, इसमें दूंगा विड्थ में 100%, हाइट में दूंगा 20 VH, और बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं ब्लैक, पैडिंग देता हूँ मैं 20 pixels, टॉप डाउन और लेफ्ट राइट से 0, और ट्रांजिशन जो कि हमारा बाद में काम आएगा वो अभी दे देता हूँ मैं ऑल 0.4 सेकेंड। ठीक है, ये देखिए हमारा 25 VH का 20 VH का वो आ गया हाइट, तो ये 20 VH का है और बाकी 80 VH है, कुल मिलाकर 100 VH होता है। तो हमें क्या करना है, अब देखना हमारा जो मेन है, जो मेन क्लास है जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट है, तो मेन को हम देंगे विड्थ 100%, एक मिनट, 100% डिस्प्ले देंगे इसको फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट देंगे सेंटर, अलाइन आइटम्स देंगे सेंटर। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ है, ये देखिए फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है आपको दिख रहा होगा अगर, तो जो हमारा ये वाला इमेज है और जो दूसरा वाला इमेज है वो दोनों आ गए हैं साइड बाय साइड सब कुछ। तो जो हमारा इमेज है इसका मैं विड्थ कर देता हूँ 50 pixel, ताकि आपको दिखता रहे सब कुछ। अब देखिए 50 बहुत कम हो गया, शायद मुझे 150 देना था, 150, ये देखिए 150 आ गया। तो जो हमारा एंड है, हैश एंड, जो हमारा वो एंड वाला लोगो था उसको मैं दूंगा विड्थ 50 pixel, क्योंकि वो अलग ही बड़ा लग रहा है। ये देखिए अब आ गया सही, अब इन दोनों का हम करेंगे, पहले ये कर लेते हैं, अब क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट है FIRST फर्स्ट इमेज, इसको मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ
250 पिक्सल, कुछ एक मिनट सही नहीं है, ये हमें बाद में देना पड़ेगा, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो हमारा नेव है, नेव लेफ्ट डिस्प्ले फ्लेक्स, एक मिनट, नेव लेफ्ट के अंदर यूएल डिस्प्ले फ्लेक्स देना है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, इससे क्या हुआ, ये देखिए जो ये वाला था ये हमारा साइड बाय साइड आ गया, और ये भी हमारा साइड बाय साइड, इसको भी लाएंगे अब हम साइड बाय साइड। डॉट नेव आर आई जी एस टी राइट यू एल, मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, ये भी हमारा साइड बाय साइड आ गया। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा एल आई है इसको हम करेंगे मार्जिन टॉप डाउन 0 लेफ्ट राइट 20 पिक्सल, ठीक है, और लेस स्टाइल कर देंगे नन, और जो हमारा एल आई के अंदर एंकर टैग है उसको हम करेंगे कलर ग्रे, और टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे कैपिटलाइज, ट्रांजिशन हम दे देंगे ऑल 0.4 सेकेंड। जो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, जो टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब इसके नीचे जो अंडरलाइन आती है वो हट जाएंगे, और लेस स्टाइल नन का मतलब जो होता है जो डॉट आते हैं आगे वो हट जाएंगे, तो वो सब हट गए। अब इसका कलर भी चेंज हो गया, अब जो देख रहे हैं आप थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, इसको इधर लाना है और इसको थोड़ा सा इधर लाना है, तो हमारा काम हो जाएगा इसका। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो नेव राइट है उसको हम कर देंगे मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, इससे क्या होगा, फिलहाल मैं हटा कर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल गैप नहीं है, और जैसे मैं 20 पिक्सल करूँगा सेव कर दूँगा, और यहाँ पे थोड़ा सा 20 पिक्सल का गैप आ गया, और जो मैं यहाँ पे दे रहा था अभी हैशटैग FIRST फर्स्ट इमेज, हैशटैग नहीं है वो, मार्जिन लेफ्ट 250 पिक्सल्स, ये देखिए हमारा पूरा का पूरा बन गया। इतना काम हमारा हो गया, अब हमारी इसकी बारी है जो आइकन है और ये सर्च टैग, तो इसके लिए हमें क्या करना है, नीचे चलते हैं, एक मिनट ज़्यादा ही नीचे आ गए, हाँ, तो जो हमारा सेकेंड SECONDE सेकेंड है, एक मिनट, सब सही तो है, अच्छा सेकंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो हमारा ये यहाँ पे सिंपल नहीं है, मतलब बेस पे नहीं है, तो मैं इसको दूंगा सेकंड नाम का एक क्लास है मेरा, उसके अंदर मार्जिन लेफ्ट -20 पिक्सल्स, ये देखिए ये भी बराबर में आ गया, अब यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये सेंटर में आ गया पूरा, और ये भी हमारा हो गया, अब हमारी इसकी बारी, सेंटर में भी थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर नाम का जो हमारा क्लास था आपको याद होगा, पैडिंग टॉप डाउन 0 लेफ्ट राइट 30 पिक्सल, इससे क्या होगा, मैं बिना सेव कर दिखाता हूँ, ये देखिए आपको यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा है, जब मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है, अब शायद हमारे उसकी बारी आई, हाँ अब हमारे EARCH सर्च नाम का जो क्लास था इसको मैं विड्थ दे दूंगा 100%, ताकि वो पूरा का पूरा रहे, पोजीशन में दे दूंगा रिलेटिव, और कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने पोजीशन रिलेटिव, जो हमारा सर्च IMG है इमेज हमारा
इसको मैं पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, विड्थ दूंगा 23 pixels। इससे क्या हुआ, जो हमारा एब्सोल्यूट का मतलब था, ये हमारा जो हमारा सर्च था वो रिलेटिव है और ये हमारा एब्सोल्यूट, तो इसी के बॉक्स के अंदर आ जाएगा, तो हम इसको आसानी से पोजीशनिंग कर पाएंगे। तो अब हम करेंगे टॉप 50%, लेफ्ट 230 pixel, ट्रांस ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट -50%, कॉमा -50%। कुछ तो प्रॉब्लम है, 230 pixel। देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, बाद में देखेंगे क्या हुआ है। तो जो हमारा, हाँ पहले इनपुट को सही कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले पोजीशनिंग कर दी जो कि हमें बाद में करना था। तो मैं अपने सर्च जो हमारा है इनपुट, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 250 pixel, हाइट दे देता हूँ 32 pixel और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 5 pixel, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ RGB 22.22.22 और कलर दे देता हूँ वाइट, बॉर्डर कर दूंगा मैं, पहले मैं इतना दिखा देता हूँ क्या हुआ इससे। ये देखिए, अब आपको समझ में आया कि ये यहाँ पे क्यों आया था, क्योंकि इसकी मुझे विड्थ बढ़ानी थी इमेज का, तो इसलिए मैंने पहले से दे बना रखा था, तो मैंने पहले ही टाइप कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ये बनाना सर्च बॉक्स, उसके बाद उसके हिसाब से इसको पोजिशनिंग करना, वरना आप सोचेंगे कैसे हो गया। तो बॉर्डर जो हमारा, अब ये मैं दिखा देता हूँ, जो हमारा ये दिख रहा है बॉर्डर, और मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वाइट सारा आउटलाइन, बॉर्डर आउटलाइन नन कर देंगे, कहानी ख़त्म। बॉर्डर नन, आउटलाइन भी नन, और आउटलाइन भी नन। ये देखिए, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एकदम चिपक के आ रहा है इसके यहाँ से, ठीक है ना। तो हमारा मतलब ये जो है हमारा यहीं पे शुरू हो रहा है ना, तो ये हमारा सर्च टैग है इसी के साथ है। तो मैं इसको पैडिंग लेफ्ट दूंगा, आपकी मर्जी, आप कितने भी दे सकते हैं, आपको जितना अच्छा लगे। मैं 15 pixel देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा हट के आए। ये देखिए, अब हट के आ गया। अब जो इसको है हमारा यहाँ पे पोजीशनिंग करनी है इसकी, देखते हैं कैसे करेंगे। कहाँ है मेरा, हाँ तो हम इस पे थे, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे हमें जाएंगे लेफ्ट 42% आ गया। देखिए, अब हमारा पूरा हो गया, अब इसको बस होवर ओवर देना है। पहले मैं इस पे क्लिक करूँगा, मतलब जब मेरा कर्सर इस पे जाएगा तो यहाँ पे होवर आएगा, उसके बाद जब मैं इस पे जाऊँगा तो यहाँ पे होवर आएगा, उसके बाद जब मैं इस पे जाऊँगा तो यहाँ पे होवर आएगा। तो हमें 3 होवर देने हैं, एक बार यहाँ पे, इसके साथ ही जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये वाइट हो जाएगा, इसके साथ ही जब मैं यहाँ जाऊँगा तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, रेड वाले को, अब तो सामने आ गया हर चीज़। देखिए, हट गया, अब अच्छा लग रहा है दिखने में। अब हमारा होवर की बारी, जो हमारे होवर हैं, तो पहले मैं हेडर को दूंगा, हेडर होवर, बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाएगा H111, पूरा ब्लैक था, इसको थोड़ा कम कर देंगे। तो ये देखिए, चेंज हो रहा है कलर, जो मैंने ट्रांजिशन दिया था तभी मैंने दिया था पहले ही, ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। ये देखिए, ट्रांजिशन का कमाल, एकदम स्मूथली हो रहा है। अब हमें इसको देना है, इसको देना है, तो मैं दोनों एक बार में देता हूँ। सर्च इनपुट ओवर बैकग्राउंड कलर RGBA
आठ जी बी है, खाली बी ए नहीं है। कितना 34.33.33 डॉट ए और जो हमारा एंकर टैग है कलर वाइट। एक मिनट मैं बता देता हूँ कि जब हम इस पर ऐसे लिखते हैं ना एल आई के अंदर ए टैग, उसके बाद बहुत लोग एल आई में होवर देते हैं, तो एल आई का जो होवर है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा यह है वो एंकर टैग के अंदर लिखा है। इसलिए मैंने एंकर टैग के अंदर होवर दिया है यहाँ पे, तभी वो काम करेगा वाइट। अब देखना ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, उसके बाद जब मैं यहाँ जाऊँगा तो इसका कलर वाइट हो गया, स्मूथली हो रहा हर चीज़। और जब मैं यहाँ जाऊँगा तो इसका भी कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैं ट्रांजिशन देना भूल गया, तो ये अचानक से हो रहा है, मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन देना पड़ेगा। सर्च इनपुट में ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे आए, ये देखिए ये भी स्मूथली हो रहा है। अब ये देखिए तो उतना ही था हमारा। मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें वो करूँगा, क्या कहते हैं, अगला जो होगा हमारा वीडियो उसमें मैं इसको और भी अच्छा बनाऊँगा, इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊँगा और एक ट्रिक दिखाऊँगा कि जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारा ये लोगो जो है ये सब गायब हो जाएगा, लोगो आ जाएगा और नीचे की पूरी वेबसाइट आ जाएगी। तो मैं अगले वीडियो में कराऊँगा बनाऊँगा, वो थोड़ी बड़ी होगी, तो देखते कैसे करेंगे। थैंक यू, अच्छा लगा वो लाइक कर देना।